वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। आज बात करने जा रही हूँ इमरान खान के बारे में। जी हाँ, इमरान खान ने साल 2011 में अपनी शादी रचाई और साथ ही साथ साल 2014 में उनकी एक बेटी इमारा पैदा हुई। जी हाँ, एंड देन उसके बाद साल 2019 में इन दोनों का डिवोर्स, यानी कि ये दोनों सेपरेट हो गए। फिर साल 2020 में इनकी मुलाकात लेखा वॉशिंगटन से हुई और इन दोनों का जो लॉकडाउन में ये मुलाकातें, ये बातें बढ़ते बढ़ते आज ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे बैंड्रा के एक अपार्टमेंट में। और ये अपार्टमेंट रेंट में दिया है करण जौहर ने इन्होंने, जिसका पर मंथ, यानी कि वो रेंट लेते हैं 9 लाख रुपए। जी गाइज, पर मंथ 9 लाख रुपीज। सो गाइज, ये हमारा तो घर भी जाएगा, सब जाएगा ये 9 लाख रुपए में। जी हाँ, अब बात करें तो बहुत सारे ट्रोलर इन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि आपने अपनी बीवी, अपनी बच्ची को छोड़ के एक दूसरी औरत के साथ अपनी जिंदगी बसा ली और यही औरत है जो आपके घर पे आग लगाया है। बट इन्होंने ये चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि मैं अपनी वाइफ से साल 2019 में सेपरेट हो चुका था, एंड देन उसके बाद उसके 1.5 साल बाद मुझे लेखा से मुलाकात हुआ था। सो गाइज, कोई भी चीज़ लेखा की वजह से नहीं हुआ, ये लोग दोनों का एक इंडिविजुअल डिसीजन था एक दूसरे से अलग होने का। बट आपको इमरान खान की वाइफ के साथ इनकी जोड़ी अच्छी लगती थी या लेखा के साथ? मुझे तो लेखा के साथ अच्छी लग रही है। आपको किसके साथ अच्छी लग रही है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।